अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आम पापड़। इसके लिए मैं ली हूँ 1/2 किलो आम। इसको मैं ऑलरेडी वॉश करके रख ली। मैं अब हम इसके स्किन निकाल के हम इसको पीस लेंगे। इसको आम के हम छिलटे निकाल के ऐसे पीसेस में हम काट लिए। अब हम इसको एक मिक्सी जार में डाल के इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। आम का स्मूथ पेस्ट बनके रेडी हो गया। मैं इसे एक पैन में ट्रांसफर कर ली। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर आपके हिसाब से ऐड कर लीजिए। मैं 4 टेबलस्पून शक्कर ऐड कर रही हूँ। ये आम मीठे हैं। अब हम इसे चूल्हे पर रख देंगे। चूल्हे पे रख के हम इसे हाई फ्लेम पे, अगर आप पका रहे तो इसे 10 मिनट्स तक पकाइए, अगर लो फ्लेम पे पका रहे तो 15 मिनट्स तक इसे पका लेंगे हम। ये पके तक हम एक प्लेट में ऑयल घी को अप्लाई करके रख लेंगे। एक प्लेट में मैं 1 टेबलस्पून घी डाली। इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब ये पक के रेडी हो गया। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। घी अप्लाई करके रखे से प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। इसे हम प्लेट में निकाल लिए। इसको हम चमचे से नहीं फैलाना, ये ऐसी हम ऐसा स्प्रेड करते हुए फैलाएंगे प्लेट को। ये प्लेट में अच्छे से स्प्रेड हो गया। इसको हम 2 से 3 दिन धूप में रखेंगे। अगर धूप में नहीं रखे तो आप लोग पैन के नीचे भी 2 से 3 दिन तक रखेंगे हम इसे सूखने के लिए। आम पापड़ बनके रेडी हो गया। इसे 2 से 3 दिन सुखाने के बाद ये रेडी हो गया। अब हम इसके साइड्स ऐसा निकाल लेंगे। निकाल लेके हम ऐसे पीसेस में काट लेंगे इसको अपने पसंद के हिसाब से। अच्छे से हम इसे निकाल लिए। अब हम इसे पीसेस में काट लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है इसे ये आम पापड़। अब हम इसके पीसेस काट लेंगे। इसको मैं ऐसे पीसेस में काट ली। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अच्छे से सूख के बहुत ही टेस्टी बनता है ये। आम के सीजन में एक बार आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए। इसको हम अच्छे पीसेस में काट के मैं इसे सर्व कर ली। अगर आप लोगों को ये आम पापड़ की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अच्छे अच्छे डिशेस के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।